त्यागी पर आप क्या कहेंगे? निहायत ही गलत शब्द है ये, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए। राजगुरु मठ शिवाला घाट वाराणसी, जगत गुरु दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, एक खास मुलाकात। गुरु जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शास्त्रों में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। आज मैं चाहूंगा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया ये शास्त्रों के विषय में जानना चाहती है कि महिलाओं की भूमिका क्या है, शास्त्र क्या कहता है। देखिए, शास्त्रों ने जो सनातन धर्म के प्राण कहे जाते हैं, उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवत्व या कहें देवता स्वतः आकर रहते हैं, निवास करते हैं। तो एक बड़ी उत्कृष्ट मैंने स्थिति शास्त्र ने दिया है नारियों को। हम अपने इतिहास में यानी महाभारत में देखते हैं कि शांतनु जब विवाह करते हैं, तो चाहे वो गंगा हो या मत्स्यगंधा हो, उन दोनों के शर्तों के आधार पर करते हैं। और एक तरफ देखते हैं कि ताड़का और शूर्पणखा प्रकार की नारियां भी हैं आसुरी शक्ति संपन्न, तो उनके साथ क्या व्यवहार करना है, वो भी वहां पर सुस्पष्ट है। गुरु जी, हाल ही में नोएडा में एक वीडियो वायरल हुआ श्रीकांत त्यागी का, और जो कि एक समुदाय है, संत समाज है। अब मैं चाहूंगा आपसे, पूछना तो नहीं चाहिए मगर लगातार ये वीडियो वायरल हुआ है, मैं आपसे चाहूंगा नोएडा में जो घटना हुई है उसके बारे में। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय हैं, इस पे हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि राजनीति में विषय आते हैं और चले जाते हैं अपने नाम और कद को बढ़ाने के लिए। आपने भी देखा होगा वो वीडियो और हमें भी कुछ लोगों ने दिखाया। स्त्री का गुण होता है, स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्री का लक्षण होता है। जैसे जल का लक्षण शीतलता है, वैसे ही स्त्री का लक्षण क्या है, यह शास्त्र ने बड़े मर्यादित ढंग से बताया है। पुरुष का भी लक्षण बताया है। निश्चित मानिए कि जो वो वीडियो है, उसमें जो व्यवहारिक पक्ष है, अगर हमसे पूछेंगे कि क्या कहना है आपका, तो महिला का जो व्यवहार है वो भी देखना चाहिए, उनके हाव भाव देखने चाहिए, और उसको देखने के उपरांत ही कोई निर्णय देना चाहिए कि गलत कौन है। अगर किसी को उकसा करके गलत कृत्य संपादित कराया जाए, तो जो गलत कृत्य कर रहा है उससे ज्यादा दोषी हमारे संविधान के अनुसार उकसाने वाला माना जाता है। तो वैसे ही उस महिला के बारे में मेरा मत है कि वीडियो को पूरा देखा जाए, और देखने के बाद हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो महिला कुछ अव्यवहारिक तो निर्णय ली है, जिसके कारण श्रीकांत के माध्यम से जो अभद्र भाषा निकली है वो आई है, और उस अभद्र भाषा को कोई भी असंसदीय भाषा को कोई मान्यता नहीं देगा, और उसमें कोर्ट और कानून जो निर्णय लेगा वो करेगा। दोस्तों, राजगुरु मठ शिवाला घाट, जब आप यहाँ पे आएंगे, सच में कैसी आध्यात्मिक शक्ति, और यहाँ पे एक संस्कार होती क्या है, संस्कार की रूपरेखा को तैयार कैसे किया जाता है, यहाँ पे जब आप आएंगे, यहाँ पे जो भी और भी लोग हैं, जो भी शिष्य के हैं, जो सीखते हैं, संस्कार है क्या, गुरुकुल की परिभाषा यहाँ आपको मिलेगी। आप एक बार, मैं आपसे अपने चैनल से निवेदन करूंगा, जरूर आए, एक ऐसी शक्ति आप खींचे चले आते हैं। गुरु जी, गुंडा त्यागी पे मैं चाहूंगा, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा आपसे, गुंडा त्यागी पर आप क्या कहेंगे? निहायत ही गलत शब्द है ये, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, तो वो कम है। ये मानसिक दिवालियापन है। जो भी इस तरह का शब्द प्रयोग कर रहा है, वह निश्चित मानिए कि उसको एक बार इलाज लेने की जरूरत है, और अपना स्व चिंतन करने की जरूरत है कि किस अवस्था में, क्योंकि गुंडा त्यागी शब्द जो आप उपयोग कर रहे हैं, तो आप एक पूरे बहुत बड़े समुदाय को
केवल जाति विशेष को नहीं, आप जो है संतों में भी त्यागी, तपस्वी, तितिक्षु शब्द उपयोग किया जाता है। शब्द की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का आप खंडन कर रहे हैं। त्यागी शब्द ही अपने आप में पूर्ण है भारत के सांस्कृतिक व्यवस्था को संपादित करने के लिए। आपने त्यागी शब्द गुंडा त्यागी कह करके भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था का उपहास उड़ाया है और भारत के आत्मा के ऊपर आपने प्रहार किया है। अब रही बात जाति की, तो त्यागी जाति में हमारे वैष्णव संतों में त्यागी एक परंपरा है। जो संत भस्म, विभूति, विभूति और अग्नि तप कर और अपने शरीर पे अल्प वस्त्र धारण करके अपना जीवन जीते हैं, उनको त्यागी संत कहा जाता है। वो त्यागी संत वैष्णवों में भी हैं, वो त्यागी संत सन्यासियों में भी और भी परंपराओं में। अब दूसरी बात त्यागी जाति की, तो जिस जाति में महावीर भाई महावीर त्यागी, मेजर आसाराम त्यागी जैसे शख्सियत के लोग हैं, अगर आपने उस जाति के लिए भी प्रयोग किया है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यह शब्द अपने आप में बहुत गलत है और उस गलत शब्द का किसी व्यवस्था से जोड़कर अगर आपने प्रयोग किया है तीनों ही जगह। अगर त्यागी शब्द को गाली देते हैं तो आप पूर्णतः भारतीय संस्कृति और भारत के संस्कार को गाली दे रहे हैं। आप अगर त्यागी संतों को गाली दे रहे हैं तो आप अपने पूरे जो है संस्कृति से लेकर के और अपनी पूरी आस्था को आप गाली दे रहे हैं। और अगर किसी जाति के बारे में बोल रहे हैं तो जो साधन संपन्न, वैभव संपन्न, जो ज्ञान संपन्न राष्ट्र भक्त है, उस जाति के खिलाफ आप बोलकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं, यह सोचना पड़ेगा। और जो भी लोग ये प्रयोग कर रहे हैं या किए हैं शब्द, निश्चित उन्हें अपना मूल्यांकन करना चाहिए और इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक खास मुलाकात मेरे साथ गुरुजी ने जो समय दिया, आप पहली बार मैं यहाँ पे आया और मैं आपको बता नहीं सकता खुशी के वो पल, वो लम्हे, जो संस्कार मुझे कुछ दिन कुछ घंटे में मिले, मैं इसे बयान नहीं कर सकता। आपने मेरे चरण में गुरुजी इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। खूब खूब आशीर्वाद और आपके चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं। और एक बार अंत में ये शब्द कहना चाहूंगा कि जो भी हमें बोलना चाहिए वो बहुत सोच समझ के और किसी भी शब्द पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विवेचना करके फिर वो शब्द बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। महादेव।